भोपाल से बड़ी खबर आ रही है जहां पीएम मोदी करेंगे लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज। लगभग 11 फरवरी से बताया जा रहा है जब पीएम मोदी का एमपी दौरा होगा। प्रस्तावित है फिलहाल ये दौरा, आदिवासी बाहुल झाबुआ से करेंगे आगाज, आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास होगा। बीजेपी ने इस बार मिशन 29 का एमपी में नारा दिया है। तो मिशन 29, अगर बात करें बीते लोकसभा चुनाव की 2019 की, तो 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मिशन 29 यानी कि पूरी सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके लिए अभी इंतजार है। इसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी दो तस्वीरें शेयर की और लिखा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम ने लिखा, मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वो देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी बीजेपी के दूसरे नेता और 50वें शख्स है जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को यह सम्मान दे सकती है। खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी का भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की और बधाई भी दी है लाल कृष्ण आडवाणी को। एक तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, जब देखिए ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे थे लाल कृष्ण आडवाणी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होकर उन्होंने उन्हें बधाई भी दी और ट्वीट के जरिए भी। अमित शाह ने भी, देखिए हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आडवाणी जी आजीवन निःस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। आडवाणी जी को भारतीय राजनीति में प्रामाणिकता के मानक तय करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। ये अमित शाह ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की और बधाई दी।